यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलत फहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकू और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलामकुम मियां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहला पर्चा सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहां की अकलमंदी है भाई। ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो भाई, हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा। भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें। नहीं मियां, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, चिंदे जी सर, हेड ऑफिस बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे तुम्हारे बनी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो, वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है, अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं, चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे, सबको हीरो बनना है। अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है।